नमस्कार, मैं हूं अजमल खान। आप देख रहे हैं AIN न्यूज। AIN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेज और तर्रार और नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हैप्पी रिपब्लिक डे। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने इसको सक्सेस बनाने में अपना योगदान दिया, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का साथ और सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संकल्प। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 January 1897 in Cuttack. Netaji Subhash Chandra Bose was great nationalist and a freedom fighter. Subhash Chandra Bose also participated in civil. Thank you. Good morning everyone, happy Republic Day. Pandit Jawaharlal Nehru president the national flag of India to the Constitution Assembly of India of July 22, 1947. The flag is rectangle material made of army and symbolism material. Unit of the length and breadth of a flag is ratio 3.2 and the belt is 3 distinct colors. Assalamualaikum. Good morning everyone. Happy Republic Day to all. आज Republic Day है, यानी गणतंत्र दिवस। हर कोई इस दिन के बारे में बताते हैं। हम आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताएंगे। हमारे तिरंगे में 3 रंग है, इस वजह से इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग, केसरी रंग और हरा रंग, ये उन सब रंगों को मिला के बनता है हमारा तिरंगा। झंडे के हरे रंग और उसके साथ अशोक चक्र हमारे देश की अखंडता और विकास और खुशहाली को दर्शाता है। 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर राष्ट्रीय दिवस जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनाया गया था।
हमारा ध्वज हमारी निशान है। जय हिंद जय भारत। आज्ञा मेरे मुख्य आदित्य मेरे आज्ञाकारी और मेरे साहित्य आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके बाद छः मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये संविधान ही